हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानपुंज विथ यस्के। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड यूनिट डिजिट, मतलब इकाई अंक कैसे निकालें। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हो गया 47 पे पावर 105। तो हमेशा यूनिट डिजिट निकालने के लिए जो बेस होता है इसका यूनिट डिजिट ही लेते हैं। अब यूनिट डिजिट पर क्या करेंगे कि जो टोटल है, जो टोटल पावर है 105, उसको रखेंगे। तो 7 पे पावर 105 रखेंगे। अब क्या करते हैं कि ये जो 105 है इसको 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 से डिवाइड मतलब यहाँ पे 4 से पावर को 4 से भाग देने पर यहाँ पे पावर को क्या करते हैं कि 4 से भाग देते हैं। तो 4 से भाग देंगे तो 4 का यहाँ पे 4 डिवाइड करेंगे तो 4 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो बचेगा कितना, 2 बचेगा और यहाँ 5 बचेगा। तो यहाँ पे फिर 24 हो गया 6 बार में, यहाँ पे बचा 1। तो 7 पे पावर कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे 7 पे पावर 1 हो गया, तो यहाँ पे 7। तो यहाँ का यूनिट डिजिट कितना हो गया, यही हमारा यूनिट डिजिट हो गया। लेकिन अब इतना टाइम अगर हम लोग एग्जाम में लगाएं तब तो बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम ट्रिक देखते हैं। तो पहला हो गया ट्रिक जो है फर्स्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिक फर्स्ट है, कि यदि बेस का इकाई अंक 0, 1, 5 या 6 हो तो उस पे इतना भी पावर हो और हो यूनिट डिजिट हमेशा वही संख्या ही होती है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ हम लोग एग्जांपल देख लेंगे। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल हो गया, यहाँ पे 5, 4, 6 हो गया, और इसके पे पावर हम लोग कितना रख देते हैं, 8 रख देते हैं, ठीक है। 8 रख दिए, तो यहाँ पे 8 में कुछ छोटा रखते हैं, यहाँ पे हम पावर रख दिए 4 रख दिए पावर। यहाँ पे हमेशा यूनिट डिजिट लेते हैं, मतलब 6 बोलेंगे तो 6 पे पावर कितना करेंगे, 4 करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं 6 × 6 × 6 × 6, 6 पे मल्टीप्लाई 6 करेंगे तो 36, फिर यहाँ पे 36 हो गया, यहाँ का 36 हो गया, फिर यहाँ पे 36 से 36 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 36। अब इसमें से 6 लेंगे और इसमें फिर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 36 आ गया। तो इसी का जो 6 है, मतलब इसी का 6 है, तो मतलब यहाँ पे जो 6 है इसी, यही हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग देख लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो बेस का यूनिट डिजिट है कितना भी पावर कर रहे हैं तो यहाँ पे 6 ही आ रहा है। तो इसी तरह अब हम लोग जैसे यहाँ पे देख लेंगे 8, 4, 5 के पावर कितना हो गया, पावर कर दिए 6। तो यहाँ पे 8, 4, 5 के पावर 6 कर दिए, तो यहाँ पे फिर 5 लेंगे और 5 पे पावर 6 करेंगे। तो यहाँ पे फिर से करेंगे, 5 को 6 बार लिखेंगे, 5 × 5 × 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है। तो हो गया, यहाँ पे फिर 5 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 25 में फिर 5 लेंगे और 5 को फिर 5 से, यहाँ पे इतना का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 25 हो गया, इतना का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 25 हो गया, और फिर इतना का मल्टीप्लाई 25 हो गया। फिर अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस 5 को कितना होगा, 25 होगा, और फिर इस 5 में इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 ही होगा। अब 25 में यही 5 को ले लेंगे तो 5
यही हमारा क्या हो गया, यूनिट डिजिट हो गया। तो इस ट्रिक से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं ट्रिक से। यहाँ पे एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे करेंगे हम लोग 546 के पावर 846 इंटू 920 के पावर 948 इंटू 641 के पावर 862। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि अगर बेस का यूनिट 6 हुआ तो यहाँ पे पावर कितना भी रहे वही संख्या हो जाएगा, मतलब 6 कर देंगे। यहाँ पे कितना भी रहे तो यहाँ पे 0 कर देंगे, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो गया। तो 0 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 0 होगा। तो मतलब यूनिट डिजिट कितना हो गया, यूनिट डिजिट हमारा 0 हो गया, यूनिट डिजिट 0 हो गया। अब यहाँ पे ट्रिक 2 देखते हैं। ठीक है, ट्रिक 2 देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबको मिक्स करके। यहाँ पे ट्रिक 2 हो गया कि यदि बेस का इकाई अंक, आप लोग भी लिखते जाइए हमारे साथ, इकाई अंक 4 या 9 हो, बेस का इकाई अंक 4 या 9 हो तो उस पे पावर अगर सम संख्या हो तो इकाई अंक पे पावर 1 रखेंगे और विषम संख्या हो अगर पावर विषम संख्या हो तो इकाई अंक पे, यहाँ पे गलती, सम संख्या हो तो इकाई अंक पे पावर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, और पावर विषम संख्या हो तो इकाई अंक पे पावर कितना रखेंगे, पावर 1 रखेंगे। तो यहाँ पे हमको पता है कि इससे कुछ नहीं समझ में आएगा, तो यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल जैसे हो गया 84 पे पावर हो गया 3, यहाँ पे 84 पे पावर 3 हो गया, तो यहाँ पे 4 हो गया, 4 पे पावर क्या करेंगे, 3 करेंगे, तो 4 पे पावर 3 करेंगे, तो यहाँ पे 4 पे पावर 3 करेंगे तो 4 इंटू 4, तो यहाँ पे 4 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 हो गया, 16 फिर 4 से मल्टीप्लाई 64 हो गया। इकाई अंक हमारा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। उसी तरह अब हम लोग जैसे ट्रिक से देख लेते हैं, यहाँ पे 84 है और इस पर ऊपर में क्या है, 3 विषम, मतलब कि क्या है, विषम संख्या है, यहाँ पे 4 पे पावर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब यूनिट डिजिट कितना हो गया। उसी तरह हम यहाँ पे 989 रख लिए और इस पर पावर कितना रख लिए, 2 रख दिए, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट हो गया। तो 9 पे पावर कितना करेंगे, स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 × 9 मतलब 81, तो यूनिट डिजिट कितना हो गया, यूनिट डिजिट हो गया 1, आप लोग का यूनिट डिजिट 1 हो गया। तो मतलब यही हो गया क्वेश्चन। अगर हम लोग, मतलब जैसे अब इसी ट्रिक से अगर हम लोग को निकालना हो तो हम लोग तुरंत निकाल देंगे अगर हमारे माइंड में रहा तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, जैसे 589 पे पावर 648 गुने 962 पे पावर 4961 पे पावर 483 इंटू 856 पे पावर 1025 इंटू 564 पे पावर 843। अब इसको सॉल्व करते हैं।
तो हम लोग को पता है कि 9 रहा, 9 है और यहाँ पे क्या है, सम संख्या है, तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर कर देंगे। फिर क्या करेंगे, इनटू यहाँ पे 1 है, तो 1 है तो वही संख्या ही उतार देते हैं, कोई भी पावर रहे संख्या ही उतार देते हैं। फिर यहाँ पे 6 है, तो 6 पे भी कोई पावर रहे तो वही संख्या ही कर देंगे, तो 6 हो गया। और फिर यहाँ पे क्या हो गया, 5, 6, 4, तो यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है, विषम संख्या है, तो यहाँ पे 4 पे पावर क्या करेंगे, 1 करेंगे। तो टोटल कितना हो गया, यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 81 हो गया, इंटू 1 हो गया, इंटू 6 हो गया, इंटू 4 हो गया। अब सबके से इकाइयों से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, फिर 6 4 का मल्टीप्लाई 24, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना आएगा, 24। अब 24 में से क्या करेंगे कि 4 निकाल लेंगे, तो यूनिट डिजिट कितना हो गया, यूनिट डिजिट 4 हो गया। तो अब हम लोग लास्ट ट्रिक देख लेते हैं। उससे पहले एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे 8, 5, 6 के पावर 1, 0, 2, 5 इंटू 9, 2, 4 के पावर 6, 4, 8, 9 इंटू 8, 4, 6 के पावर 3, 2, 1। अब इसको हम लोग जल्दी जल्दी बनाएंगे, तो यहाँ पे 6 है तो 6 का 6 ही हो जाएगा, 4 है 4 पे विषम है तो 4 के पावर 4, 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, 6 है, 6 का 6 ही हो जाएगा, यहाँ पे टोटल कितना हो गया, यहाँ पे 6 में 4 का मल्टीप्लाई 24 हो गया, और 24 में फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 124 में मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 6×6=24, और फिर 6×12=12, 2×14=144 हो गया। यहाँ पे इकाइयाँ कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, यूनिट डिजिट कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसी तरह हम लोग अब एक लास्ट ट्रिक देख लेते हैं, चलिए यहाँ पे ट्रिक देख लेते हैं। लास्ट हम लोग का, यदि किसी संख्या का इकाई अंक टू थ्री सेवन एट हो तो उस संख्या पावर के 2 अंकों 4 से भाग देते हैं और जो शेषफल होता है उसको बेस के इकाई अंक पर रख देते हैं। और अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल से पहले एक नोट लिख लेते हैं कि अगर शेषफल 0 आया तो बेस के इकाई अंक पे पावर 4 करेंगे। चलिए अब हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं, कोई भी संख्या उठाते हैं 8, 4, 3, इसके पावर कितना है, इसके पावर है आपका 9, 8, ठीक है। यहाँ पे इकाई अंक 3 हो गया, 3 के
अब इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई, अरे 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, शेषफल कितना बचेगा, शेषफल यहाँ पे 2 बच जाएगा, 2 बचेगा, तो यहाँ पे 3 के क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो गया 9, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना हुआ, यूनिट डिजिट 9 हो गया। अब इसी तरह 9, 8, 7 रखते हैं और यहाँ पे 4, 5, 6 रख देते हैं। अब यहाँ पे एक जो दो अंक है इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा तो इसके 7 पे पावर 4 कर देंगे। अब 7 पे पावर 4 करेंगे तो 7 × 7 × 7 × 7 हो जाएगा, यहाँ पे 49 हो गया, और फिर यहाँ पे कितना हो गया, 49 हो गया, फिर अब 9 से 9 पे कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यूनिट डिजिट हम लोग का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अब यही कुछ देख लेते हैं यहाँ पे, कि अगर 5, 4, 8 रहा और इसके पावर हो गया 6, 8, 3, यहाँ पे 2, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे आपका शेषफल जो है 3 बच जाएगा, तो यहाँ पे 8 पावर कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, तो यहाँ पे 8 × 8 × 8, तो यहाँ पे 64 हो गया, और फिर यहाँ पे 8 से, तो यहाँ पे 8 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32, मतलब यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 2, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना हो गया, 2 हो गया। अब चलिए कुछ मिक्स क्वेश्चन देख लेते हैं, मिक्स क्वेश्चन में यहाँ पे देख लेंगे 9 × 8 6 8 4 3 × 6 8 8 पे पावर 6 5 2 × 8 6 1 पे पावर 3 2 1 × 8 4 4 पे पावर 6 4 3, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं 6 रहा तो वही 6 ही हो जाएगा, और यहाँ पे 8 है, यहाँ कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे सक्सेसफुल 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 8 पे पावर 4 कर देंगे, और फिर यहाँ पे 1 है तो 1 ही हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 4 है, और 4 पे पावर क्या है, विषम संख्या है, तो यहाँ पे 4 पे पावर 1 हो जाएगा। तो अब इसका 8 पे पावर 4 है, तो इसको जल्दी से 8 × 8 × 8 × 8 करेंगे तो कितना हो गया, 64 हो गया, और फिर यहाँ पे 64 हो गया, फिर यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 16, तो यूनिट डिजिट कितना है इसका, 6 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 × 6 × 1 × 4 हो गया, यहाँ पे अगर 36 हो गया, और फिर यहाँ पे 6 का 4 से कर देंगे। हमेशा इसमें क्या करते हैं कि निकालना है तो यूनिट डिजिट से ही मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 6 पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना हो गया, 24 हो गया, ठीक है, यूनिट डिजिट 24 हो गया। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, 9 × 2 पावर 6 8 3 × 6 8 5 पावर 1 0 8 5 × 6 8 9 पावर 9 2 3, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 है 83, तो यहाँ पे 2 के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना हो गया, क्यू, और यहाँ पे 5 है तो 5 वही संख्या हो जाएगा, और फिर यहाँ पे 9 है तो 9, और यहाँ पे क्या है, विषम संख्या है, तो यहाँ पे 9 ही हो जाएगा, तो 2 में 2 का क्यू करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, 8 × 5 × 9, तो यहाँ पे 8 × 5 × 9, तो यहाँ पे 840 हो गया, और फिर यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे अब 0 से 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, यहाँ पे यूनिट डिजिट हो गया, यूनिट डिजिट 0 हो गया। अब एक ट्रिक और लिख लेते हैं, ठीक है, कि किसी फैक्टोरियल फोर से बड़ी किसी फैक्टोरियल
फोर से बड़ी किसी फैक्टोरियल का यूनिट डिजिट हमेशा जीरो होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे फोर से बड़ी हो गया, सिक्स कर लेते हैं तो सिक्स फैक्टोरियल में है, यहाँ पे क्या होगा, टू हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, फोर हो जाएगा, फाइव हो जाएगा, इंटू सिक्स हो जाएगा। यहाँ पे फाइव इंटू टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे टेन हो गया। अब यहाँ जीरो से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो ही आएगा, जीरो का यूनिट डिजिट कितना हो गया, जीरो यूनिट डिजिट हो, जीरो क्या हो गया। अब यहाँ पे जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी संख्या का तो जीरो ही होगा, तो जीरो यहाँ पे यूनिट डिजिट हो गया। एक और लिख लेते हैं, ये अगर एक संख्या का यूनिट डिजिट सम हो तथा दूसरे संख्या का यूनिट डिजिट फाइव हो तो इन दोनों का गुणनफल करने पर यूनिट डिजिट हमेशा जीरो होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, एट हो गया, फोर हो गया, ठीक है, और इसके ऊपर जो है हो जाएगा यहाँ पे नाइन थ्री, और फिर यहाँ पे फाइव हो गया, सिक्स हो गया, फाइव हो गया, और इसके ऊपर हो जाएगा एट सिक्स टू हो जाएगा। यहाँ पे फोर की पावर विषम संख्या है तो फोर पे वन ही होगा, और फिर यहाँ पे फाइव ही होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेंटी जीरो हो, ट्वेंटी हो गया। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या हो गया, यहाँ पे यूनिट डिजिट हो गया। यहाँ पे जैसे 84 के पावर 93 और 56 पावर 862, तो हम लोग तो ट्रिक तो सारा पढ़े हैं इसलिए सारा याद है। तो 4 पे पावर 1 हो गया इंटू 5 हो गया, और यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे 20 तो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना हो गया, जीरो हो गया। तो आज का जो यूनिट डिजिट है, आज हमारा यूनिट डिजिट समाप्त हो गया, और अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं। तब तक के लिए बाय।